हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कल रात जो है बहुत ही एक शॉकिंग से न्यूज़ मिल गया हम सभी को और पूरा नेशन जो है पूरा शॉक्ड हो गया है। हाँ दोस्तों, ये जो है पबजी आजकल बैन हो गया है और गवर्नमेंट जो है पबजी के साथ और भी 119 ऐप्स को जो है बैन कर दिया गया है। रीजंस दोस्तों सिमिलर ही है जो पिछले 49 ऐप बैन हुआ था उसके साथ ही, जो कि है डेटा लीक के चक्कर। ये दोस्तों वीडियो में आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि पबजी क्यों बैन हुआ है और ये जो एक रेवोल्यूशनरी गेम था मेरे हिसाब से, जो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन लाया था, ई स्पोर्ट्स टीम या फिर गेमिंग रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं, तो उसका अभी क्या जो है फ्यूचर होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखते रहिए और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि पबजी जो है क्यों बैन हुआ है और इसके दोस्तों जो फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिव्स है वो पीसी गेमिंग के लिए भी हो सकता है या फिर मोबाइल गेमिंग के लिए भी हो सकता है वो क्या है। तो फिर चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है टेक के ऊपर लाते रहता हूँ। तो अगर आपको भी टेक न्यूज़ या फिर टेक चीज़ें पसंद है तो ये चैनल को जो है एक बार देखिए और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा के रखना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो गाइस, पबजी जो है कल बैन हुआ था और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था ये सब चीज़ समझने के लिए और जो है थोड़ा मैंने जो है मेरा भी एनालिसिस किया है। तो ये वीडियो में मैं बहुत सारे प्रोफेशनल जो प्लेयर्स रहते हैं पबजी मोबाइल के और जो जो प्रोफेशनली स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे, मैं सभी का जो रिएक्शन है वो आज के ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो पबजी जो है वो सिमिलर रीजंस के लिए बैन हुआ है, पबजी और पबजी मोबाइल लाइट। हालांकि अभी भी मेरे को प्ले स्टोर में देखने के लिए मिल जा रहा है लेकिन ये दोस्तों कुछ दिन में जो है परमानेंटली बैन हो जाएगा और शायद इसके सर्वर्स भी जो है अभी जिन लोगों के पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी उनके भी सर्वर्स जो है टिकटॉक की तरफ ऑफ हो जाए या फिर काम करना बंद कर दे। तो फ्रेंड्स, ये पबजी जो है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी गेम था क्योंकि दोस्तों आप ठीक से देखेंगे तो ये पबजी जो है इंडिया में गेमिंग रेवोल्यूशन लाया था। ई स्पोर्ट्स टीम बने बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए और छोटे मोटे टूर्नामेंट्स नहीं, बहुत सारा प्राइज पूल था वो टूर्नामेंट्स के साथ। बहुत ही हम लोग का छोटा छोटा जो प्लेयर्स रहता है वो उभर के आया था। गेमर्स लोग बहुत ही अपना एक कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा पा रहा था। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे थे, एक अपना कैरियर पाथ चूज भी कर लिया था गेमिंग को। तो ये जो बैन हो गया दोस्तों बहुत सारे चीज़ों में अफेक्ट करेगा। हालांकि मैं ये बैन का खिलाफ में बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि देखिए, सिक्योरिटी इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ द स्टेज इन दिस वर्ल्ड बिकॉज चाइना इज़ अनटॉलरेबल। चाइना बहुत ही चारों तरफ से जो है हम लोग को पूरा वर्ल्ड को जो है ख़त्म करना चाह रहा है और दिस इज़ द स्टेप इंडिया हैज़ टेकन, इंडिया गवर्नमेंट हैज़ टेकन एंड वी शुड ऑल्सो सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी के, देश की सिक्योरिटी के सामने फिर आगे कोई भी चीज़ नहीं आता है। तो मैं दोस्तों बैन को जो है पूरा सपोर्ट करता हूँ लेकिन दोस्तों इसके साथ और भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अगर कोई भी ऐप अगर बैन करते हैं आप तो इसके साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस भी आते हैं, उसको भी दोस्तों हम लोग को फेस करना होगा और ये दोस्तों टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पबजी चला गया तो बहुत सारे मतलब करियर ऑप्शंस बंद हो गए या फिर गेमिंग इंडस्ट्री फिर गिर जाएगा। हाँ, थोड़ा सेटबैक हुआ है लेकिन दोस्तों ये और आगे के लिए अच्छा होगा क्योंकि देखिए पबजी ने जो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया था सेट करने के लिए वो तो दोस्तों बहुत सारे लोग सेट किया हुआ है, उसको ही अभी और भी निखार के दोस्तों वो लोग जो है ऊपर आएंगे। पहला जो प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है अगर फ्यूचर को देखा जाए तो मेड इन इंडिया की बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया अभी, तो मेड इन इंडिया के चलते इंडिया में भी अभी दोस्तों जो है इतने ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स डेवलप होंगे और हम लोग के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर गेम डेवलपर या फिर आईटी प्रोफेशनल्स है वो लोग भी दोस्तों और भी जॉब्स क्रिएट कर, मतलब और भी जॉब्स उन लोग के लिए क्रिएट होगा। उसके साथ ही हम लोगों को देखिए पीसी गेमिंग अभी भी लेकिन लैग करता है। अभी ये सबसे अच्छा टाइम है कि पीसी गेमिंग कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि देखिए मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी तो अभी थोड़ा सेटबैक में चला गया तो पीसी गेमिंग कम्युनिटी का जो बहुत ही अच्छा टाइम है ग्रो करने के लिए। और अभी देखिए एनवीडिया का 30 सीरीज़ RTX 30 सीरीज़ का भी जो कार्ड्स लॉन्च हो गया जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस देता है। 28 की अभी का जो RTX सीरीज़ का टॉप मॉडल का कार्ड है, अभी 30 सीरीज़ का जो बेस मॉडल आता है उससे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो आप सोच ही सकते पीसी गेमिंग भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो रहा है अभी फ्यूचर में। और अभी देखिए वैलोरेंट आ गया है, CSGO, वैलोरेंट,
या फिर एपिक्स लेजेंड, बहुत सारे गेम्स जो अभी फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स या फिर बैटल रॉयल जैसे गेम्स आ गए हैं, इन लोगों को भी दोस्तों टूर्नामेंट्स, हालांकि वैलोरेंट का जो सर्वर है वो बेंगलुरु में अभी सेटअप होने ही वाला है कुछ ही दिन में, तो आप सोच सकते हैं कि वैलोरेंट का भी जो है बहुत अच्छा खासा एक टूर्नामेंट होगा। पबजी पीसी दोस्तों अभी भी बैन नहीं हुआ है, तो आप जो सो पबजी पीसी जो है खेल सकते हैं पबजी पीसी, या फिर कोई अगर आप लोगों के पास लोअर स्पेक्स का सिस्टम है तो आप वहाँ पे पबजी पीसी लाइट भी खेल सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। पबजी मोबाइल ही तो बैन हुआ है, देखिए बैन हुआ है लेकिन बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव भी खुले हैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आईटी मिनिस्ट्री का जो है प्रेस रिलीज आ रहा है वो देख पाएंगे, तो आप जो है पढ़ लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि बहुत लंबा प्रेस रिलीज है और ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरा प्रेस रिलीज पढ़ूंगा। तो ये सब देख सकते हैं कि सिमिलर रीजंस है कि वही डेटा लीक और हम लोग के इंडियन सर्वर, मतलब इंडियन पीपल को जो डेटा होता था वो बाहर के सर्वर को बेच दिया जाता था विदाउट एनी परमिशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और ये दोस्तों जो है बहुत ही इलीगल तरफ से एक तरीके से एक जो है किया जाता था। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट जो है, और आप अगर अभी स्क्रीन में देख सकते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे जो ऐप्स थे, मतलब बहुत ही पॉपुलर जो ऐप्स थे वो लोग को भी जो नाम है वो बैन लिस्ट में आया है। 119 ऐप्स का जो लिस्ट है वो अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं पॉज करके। तो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते वीडियो का जो कि है रिएक्शंस। तो आप पहले मॉर्टल का रिएक्शन देख लेते हैं कि मॉर्टल ने जो है अपने कल लाइव स्ट्रीम में क्या बोला था। कुछ लोग पूछ रहे हैं आगे ऐसा है, आगे आपको मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है, इट्स फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ गेमिंग, राइट? ठीक है, देयर इज नथिंग अबव नेशनल सिक्योरिटी, ये बात इट्स फॉर अ फैक्ट। इफ देयर इज समथिंग दैट वाज रॉन्ग इन द गेम, तो भाई सीधा बात है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, देश अपना नंबर वन, ठीक है, और भाई कुछ नहीं है, हम लोग को इतना टेंशन नहीं, आप लोग और देखो सीधी बात है, दे आर टू आप लोग के इंटरेस्ट हम लोग बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, वी आर गोना ट्राई टू, वी आर एंटरटेनर्स, एंटरटेन करना हमारा फर्ज है, हम लोग कंटिन्यूअसली एंटरटेन करेंगे थ्रू आउट। यस, मेरी पबजी ऑफिशियल से बात हुई और उनसे यही पता चला है कि राइट नाउ जो भी है दे आर डिस्कसिंग, दे आर ट्राइंग, उन लोग देख रहे हैं वो उनके व्हिच आर बिटवीन गवर्नमेंट एंड टेंसेंट, उन लोग जो भी करे इट्स देयर थिंग, वी कांट रियली कमेंट मच ऑन दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से भाई पहला बात हम लोग कहीं नहीं जा रहे, नंबर वन, नंबर टू इट्स अ सेटबैक बट इट्स नॉट एन एंड, ठीक है, ये चीज एक टू सब एक साल पीछे खिंच लगा, एक साल लगा, पर हर एक इंडिविजुअल जितना भी है यहाँ पे सब लोग एक साल पीछे खिंच चुके हैं इस वक्त, दैट्स इट, तो दूसरा मजे करेंगे और कुछ नहीं। इसके बाद बढ़ते हैं स्काउट की तरफ। इट्स अ वेरी बिग न्यूज बट व्हाट कैन वी डू, वी नीड टू मूव ऑन, हम लोग को मूव ऑन करना पड़ेगा ना लोंडो। तो गाइस जो भी है कंट्री के सेफ्टी के लिए है, कंट्री के लिए सेफ्टी के लिए, यू नो, तो वी ऑल रेस्पेक्ट ऑल द डिसीजन टेकन बाय द कंट्री टू फॉर अस, हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, तो यस कंट्री फर्स्ट गाय चलता है ब्रो। पबजी का गेम है बंद, कोई दूसरी गेम लाएंगे साथ में खेलेंगे आप लोग और हम लोग, साथ में यहाँ तक आए हैं तो आगे भी हम लोग साथ में ही जाएंगे गाइस। तो अब कौन सा गेम, बहुत गेम्स है, पीसी गेम है, सीओडी मोबाइल है, सीओडी पीसी है, फॉल गाइस है, वैलोरेंट है, मतलब एन नंबर ऑफ गेम्स गाइस, एन नंबर ऑफ गेम्स, चिल रिलैक्स है, मैं आई एम यस इट अफेक्ट्स द एंटायर गेमिंग कम्युनिटी बट इट्स फाइन, आप लोग बोलेंगे वो गेम हम लोग आगे ट्राई करेंगे, तो सजेशन में मुझे बताओ कि कौन सी गेम खेलना चाहिए, हम वो खेलेंगे। देखो इफ यू कैन सी दिस फोकस, यस देख रहे हो गाइस, ये अपना सीओडी फ्री फायर दो डाउनलोड किए, तो ये दो गेम हम लोग यू नो ट्राई करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप लोग चिल मारो, रिलैक्स रहो, कुछ नया चीज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम लोग जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। पबजी लास्ट टाइम इस इमोशन साथ ये बात तो है भाई, पबजी ने यहाँ तक लाया हमें। स्काउट को तो हम लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से जानते हैं, एक बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है, और स्काउट जैसे प्लेयर इंडिया में नहीं दोस्तों वर्ल्ड में बहुत ही कम है। स्काउट का जो कंपैरिजन है वो XQF के पैराबॉय या फिर आप बोल सकते हैं BTS के लक्सी जक्सी जैसे प्लेयर के साथ होता है, तो मान ही सकते स्काउट कितना बड़ा प्लेयर है। मैं खुद एक पबजी प्लेयर रहा हूँ और मैं जो है 7-8 महीने तक की खेला था ये गेम को, और मेरे को दोस्तों जो है बहुत ही अच्छा लगता था ये गेम, तो ऐसे कुछ बात नहीं है। मैं हालांकि पीसी गेमर हूँ और मैं मोबाइल गेम्स की तरफ उतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी अभी देखिए मैं जैसे पीसी गेमर हूँ, मेरे टैलेंट को उभारने के लिए और भी अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ जो है आने वाला है।
तो सैड होने के लिए कुछ बात नहीं है। ये वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि पबजी क्यों बैन हुआ है और कंसिक्वेंस के साथ पबजी बैन होने का जो अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के आता है पीसी गेमर्स या फिर पीसी डेवलपिंग कम्युनिटीज़ या फिर मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है उसके तरफ, वो बहुत ही अच्छा अच्छा है। तो उम्मीद हो गया आपके यह वीडियो पसंद आया होगा, आज का ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को जो है ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी का जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।